मैं हूँ शिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो से कुछ होम डेकोर, लाइक बेडशीट। तो जब भी मैं देखती हूँ ना, मेरा दिल आ जाता है बेडशीट का। तो मेरे पास इतना सारा कलेक्शन हो गया है, फिर भी मैं खरीदती रहती हूँ। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा औसम है, और इन सभी को मैंने बाय किया है मीशो से, क्योंकि गाइज मीशो इंडिया की नंबर वन अर्निंग ऐप, जहाँ पर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, मीशो पर आपको सब कुछ मिलेगा होलसेल रेट पर, क्योंकि यहाँ से सस्ता और कहीं नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलर के थ्रू में चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, तो इसके थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरी ये बेडशीट, बहुत ही प्यारी सी ये बेडशीट है। आप देखेंगे इस तरह की पैकिंग में मुझे रिसीव हुई है। कलर इसका मरून है, बच्चों की वजह से यार, मतलब मैं डार्क कलर ले लेती हूँ, क्योंकि वो एक तो बेडिंग होने के बाद अच्छे भी लगते हैं, प्लस इतनी जल्दी बच्चे गंदी कर देते हैं, थोड़ा दिखाई भी नहीं देती कि गंदी हुई है। और ये आप देखिएगा, पूरा पीस मैं इसको दिखाने वाली हूँ। सो ये है बेडशीट, फैब्रिक है इसका ग्लेस कॉटन, और लाइक मुझे तो सही लगता है ये, समर में ऐसा कुछ नहीं है, कॉटन के साथ साथ ये भी अच्छी लगती है बेडशीट। लुक इसका बेडिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा, और ये आप देखेगा पूरी ही बेडशीट में बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मरून डार्क और लाइट के कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो मरून है ना, वो एकदम प्लेन नहीं है, उस पर भी हल्का ब्लैक डिज़ाइन है, तो उसकी वजह से और भी प्यारा लुक आ रहा है। ये एक क्वीन साइज बेडशीट है जो परफेक्ट है। बाकी लुक आप इसका चेक कर ही रहे होंगे, एकदम परफेक्ट ये बेडशीट है। इसके साथ हैं ये दो क्विल्टेड पिलो कवर, और यार मतलब क्विल्टेड पिलो कवर है तो इसकी वजह से इनका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पूरे पर ही डिज़ाइनिंग बनी हुई है, और ये देखिए इसके पिलो कवर, प्लस इसमें ना आप यहाँ पर देखेंगे चेन लगी हुई है, जिसकी वजह से अच्छे से पिलो कवर हो जाते हैं और लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है बेडिंग करने के बाद। तो ये दो पिलो कवर हैं, और यार रेंज के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ हैं ये दो ब्यूटीफुल से छोटे छोटे से कुशन, जो फ्रंट से क्विल्टेड हैं और बैक से इनमें भी जिप लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छे ये कुशन लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं हमारे रूम को। सो ये था मेरा फर्स्ट पीस, मेरी फर्स्ट बेडशीट। बेडशीट जो मैंने ली है, अगेन ये एक मल्टी कलर की बेडशीट है, सेम ही पैटर्न में है, लेकिन मुझे इसके ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगे। आप देखेंगे लाइट पैरेट ग्रीन, ब्राउन और ऑरेंज कलर के साथ, ये जो कलर है ना लाइट ग्रीन और ऑरेंज, ये थोड़ा नियॉन कलर जो होते हैं ना, उस तरह के कलर है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अगेन ये भी एक क्वीन साइज बेडशीट है, फैब्रिक है इसका ग्लेस कॉटन, और ये आप देखिएगा इसका लुक, लुक एट दिस, पूरे पर ही डायमंड बने हुए हैं, और जगह जगह मतलब वो डॉटेड लाइन होती है ना, उस तरह की लाइन है, येलो ऑरेंज ग्रीन ब्राउन और एक लाइट वाइट के ऊपर येलो, इस तरह के कलर में बहुत ही सुंदर बेडशीट लग रही है। एक क्वीन साइज बेडशीट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक, आप देख रहे होंगे कि इसके वजह से जो कमरे का लाइट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाती है, क्योंकि जब हम लाइट कलर की बेडशीट की बेडिंग करते हैं तो उससे एक रूम में अलग तरह की शाइन आ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसके साथ हैं ये दो क्विल्टेड पिलो कवर, और ये आप देखें लाइक ये पिलो कवर की लेंथ विड्थ काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपके पिलो इसमें फंस के आएंगे या कुछ, बहुत ही अच्छी है और एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से स्टिच किए गए हैं। बैक साइड में है इसके ये जिप पिलो कवर, मुझे इसके काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और इसके साथ भी अगेन ये दो कुशन, इतने प्यारे से छोटे से कुशन। अच्छा, आपको अलग से कुशन परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको अच्छे से बेडिंग करने, तो लाइक इस तरह की बेडशीट ले लें, जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आपके रूम को भी बहुत ही ये ब्यूटीफुल बना देंगे। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो गाइज, ये तो हुई बात दो बेडशीट की, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं।
आगे बढ़ाने से पहले एक बार चेक कीजिए कि हम मीशो से किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले चेक करते हैं ये प्रोसेस है वालों। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए तो वहाँ आपको मीशो ऐप डाउनलोड लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके ऐप स्टोर पर। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐप अवेलेबल है तो वहाँ से उसको ओपन कीजिए और डायरेक्ट भी उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल सर्चिंग कर सकते हैं, लाइक मेरे को कुर्ता सेट फॉर वुमेन सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्चिंग बार में टाइप करेंगे कुर्ता सेट फॉर वुमेन और जितने भी सेलर के थ्रू अवेलेबल हैं आपको सारे लिस्ट दिखने लगेंगी। इसमें से आपको जो भी पिक करना है आप वो डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। लाइक मेरे को ये येलो वाला जो है वो काफ़ी पसंद आया तो मैंने इस पर क्लिक किया, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको सारी डिटेल, सारी प्रोडक्ट्स डिटेल मिल जाएंगी, लाइक फैब्रिक क्या है, कुर्ते की बॉटम की लेंथ क्या है, और सारी ही डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको साइजेस दिख जाएंगे, जो भी आपका साइज़ है आप उसे सेलेक्ट कीजिए। अच्छा गाइज, यहाँ पर ना सब लोग बोलते हैं कि साइज़ को साइज़ चार्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आती है, लाइक मेरा ट्रू साइज़ जो है वो मीडियम है तो मैं हमेशा मीडियम पिक करती हूँ, मुझे मीडियम एकदम परफेक्ट आता है। तो मीडियम क्लिक किया, चेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको अपने लिए बाय करना है तो सेम अमाउंट एंटर कीजिए, लेकिन अगर आप एज अ सेलर वर्क करना चाहते हैं, इससे अर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 800 अमाउंट एंटर किया जिससे कि मुझे जितना भी मार्जिन है वो 169 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगी कि आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा, अकाउंट डिटेल कैसे एंटर करनी है। उसके बाद एड्रेस एंटर कीजिए और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने का नेक्स्ट वे है कि आपको यहाँ कैमरे का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें, अपनी गैलरी में से जो भी प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है उसकी इमेज को सेलेक्ट करें। तो जितने भी सेलर के थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जिस भी सेलर की आपको लगे कि रेटिंग अच्छी है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप उसके थ्रू उसे ईजिली बाय कर सकते हैं। आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको वीडियो में दिखाए हैं सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है तो सेम वही कैटलॉग ओपन होगी जिस कैटलॉग से मैंने बाय किया है, तो वहां से आप इजीली उसे बाय कर सकते हैं। और गाइज, हम मीशो से एक बार में एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपनी बैंक डिटेल कैसे एंटर करें। यहां आपको अकाउंट दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, बैंक डिटेल पर क्लिक कीजिए, अपनी सारी डिटेल फिल कीजिए। सो जो भी आपका मार्जिन होगा, जो भी आपकी अर्निंग होगी, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये कुशन कवर। और लाइक जब मैंने इनको ऑर्डर किया था ना, मुझे नहीं लगा था कि इस रेंज में मुझे इतने अच्छे कुशन कवर मिल जाएंगे, जिनका फैब्रिक है ना वो साटन टच में है, और सारे ही कुशन कवर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में है, ग्रे, वाइट, येलो, ब्लैक, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे, एकदम शाइनी से, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड पीस। ये आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में कितने प्यारे ये लग रहे हैं, और मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो गाइज, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। और आप देख रहे होंगे कि जब मैं इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ तो कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, एकदम ट्रेंडी से, डिफरेंट से। अगर आप डिफरेंट सा आइटम कुछ अपने घर में चाहते हैं, कुछ डिफरेंट सा कुशन कवर ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला आइटम ज़रूर पिक कीजिए, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पीस मैंने बाय किया है वो है ये वुडन टेबल। इस तरह से मुझे रिसीव हुई थी, 300 समथिंग के, और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। इसको जो मैंने लिया था वो मेरा पर्पस था कि मुझे इंटरकॉम रखने के लिए, या फिर ये जो मैं मेटेलिक पोर्ट यूज़ करती हूँ उसके लिए मैंने इसको बाय किया। ये आप देखेंगे, ये है इसकी एक्चुअल हाइट। आप कुछ बहुत ज़्यादा हैवी वेट तो इस पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन लाइक आपके छोटे मोटे सामान रखने के लिए, या फिर आप बाहर कहीं मैट पर बैठ कर चाय वगैरह पीना चाहते हैं, लाइक अपनी बालकनी में बैठ कर के, तो भी ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, और रेंज के अकॉर्डिंग एकदम फैबुलस है और काफ़ी अच्छी भी है, तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड। ये है मेरा आज का लास्ट पीस, येलो कलर का ये पफ। इसको तो मैं बहुत दिन से लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ले रही थी। अब मैंने ये मंगाया और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं इसके एक दो कलर और ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगा, कुछ डिफरेंट सा लगा यार। इसमें ना अंदर जो है वो जो बीन्स होती है ना, जो बीन बैग में होते हैं थर्माकोल बॉल्स, वो है इसके अंदर, वो एक फैब्रिक में रैप है, उसके ऊपर से ये चारों तरफ से रस्सी काइंड ऑफ से पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। आराम से आप इस पर बैठ सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितना प्यारा ये दिखने में लग रहा है, ट्रस्ट मी, सच में भी ये उतना ही प्यारा है।
और मुझे ये काफी पसंद आया, तो गाइज मेरी तरफ से है हाईली रिकमेंडेड। अब मेरा इसका ना एक रेड कलर मंगाने का मन है, इसका मैं रेड कलर और मंगाने वाली हूँ, और दोनों तरफ आप मुझे मेरी वीडियोस में से यूज करते हुए देखेंगे। सो गाइज ये थे कुछ पीसेस, कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मेरे रूम के डेकोर के लिए ऑर्डर किए हैं। और आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, आप आराम से इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, सारे ही एकदम A1 है। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।